ভেতরে আড়া করা, ভেতরে অ্যাক্ট্রেস, प्रदीप साहब आप स्टेज पे आइए। कुछ ही देर में हमारे बीच में काफी सारे स्टार आ रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये एक्चुअली आज मतलब काफ़ी दिनों की मेहनत है। और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे नथा भैया, जो कि बहुत अच्छे एक्टर हैं, इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से सक्रिय हैं। आपने देखी होगी पिपली लाइव के बाद काफ़ी फिल्में की, मगर उस लेवल पे वो फिल्में नहीं काम कर पा रही थी, हिट हो पा रही थी। अभी उनकी जवान फिल्म ने पूरे हिंदुस्तान में सारी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया ओमकार दास मानिकपुरी उर्फ मेरे नथा भैया, मैं भैया बोलता हूँ उनको, तो आपने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राज प्रेमी जी बहुत सालों से हमारे मित्र भी हैं, बड़े भाई भी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाल के और मुझे बोला कि मैं आ रहा हूँ। और हमारे चाचा दिलीप सेन साहब, एक लीजेंड म्यूजिक डायरेक्टर, जिनके गाने पे डांस करके मैं अपने स्कूल में अगले दिन बेहोश हो गया था और बहुत सारी बोतलें लगी थी। इनका बचपने से मैं फ़ैन हूँ, इनके गानों पे बचपने से डांस करते आ रहा हूँ। आज ये सौभाग्य है कि हमें इनके साथ में कई बार स्टेज शेयर करने के लिए और कई बार काम करने का मौका मिल जाता है। तो हमारे चाचा दिलीप सेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रमेश गोयल साहब एक ऐसी हस्ती, जैसे कि सब जानते हैं कि बगीचे में कोयल और फिल्म इंडस्ट्री में रमेश गोयल, इनकी जितनी भी तारीफ करें, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो 3 साल बिना खाने के रह सकता हो। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना खाने के पानी पे रहते थे, और इनका इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा योगदान है। लोग क्या होता है कि जिस सर में तेल होता है, इंडस्ट्री की क्या है खास परंपरा, जिस सर में तेल होता है उसमें वोट डाल देते हैं, जो थाली में खाना नहीं होता उसमें नहीं डालते। ये गलत बात है, इंडस्ट्री की बहुत चलती आ रही है काफ़ी समय से। तो गोयल साहब बहुत अच्छे एक्टर हैं और गोयल साहब ने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जावेद मीर साहब ने बहुत सारी मेहनत की है इसमें, हम लोग इसको शूट करने के लिए एक्चुअली दुबई भी गए थे लेकिन कुछ कारणवश से पैसा खर्चा हुआ लेकिन शूट नहीं कर पाए। 3 गाने हमने शूट किए माशाल्लाह। जावेद मीर साहब कम ऑन स्टेज। और हमारे जो ये इरफान भाई हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, इन्होंने बहुत सारा काम किया है। आपने देखा होगा इनका सीरियल सुशांत सिंह के साथ में पवित्र रिश्ता, आई थिंक, हाँ, उसमें ये मेन विलन हुआ करते थे। और काफ़ी फिल्में इन्होंने की है, इरफान भाई बहुत अच्छे एक्टर हैं। माही राठौड़ ने हमारे साथ में एज असिस्टेंट डायरेक्शन में काम किया है। और इनकी खास बात यह है भी, इन्होंने बी पराग का बहुत बड़ा गाना हिट दिया है, उसमें भी इन्होंने असिस्टेंट के काफ़ी सारे काम कर रखे हैं। माही ने एज ए डायरेक्टर कर रही हैं, आजकल इंडिविजुअल काम कर रही हैं। हमारे प्रतीक जी बहुत अच्छे, बहुत सारी मेहनत की आपने हमारे साथ में, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा कि मैं इरफान भाई 2 शब्द कहें कि ये गाना जो हमने जिस तरह से कैसे कैसे ठंड में हम लोग कल लोकेशन पे पहुंचे, कैसे कैसे क्या है कि अपने को शेयर करिए। नमस्कार, मैं इरफान रजा खान, जैसा कि कमाल भाई ने मेरे बारे में बता ही दिया कि मैं पिछले 15-16 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ सीरियल फिल्म सेट। और रही बात पसेरा गाने की, इसमें हम लोगों ने पूरी काफ़ी मेहनत की थी और यहाँ से सुबह सुबह ठंड में 4 बजे निकले थे हम लोग। और क्या नाम दोस्त का ब्रजेश्वरी मुंगो, जो अपना रिसोर्ट था पहला वाला, हाँ, तो वो बहुत अच्छा रिसोर्ट था, वहाँ पर हमने 2 जगह उसको जाके शूट किया था। और जावेद भाई भी वहाँ पे आए थे हमारे लिए। जावेद भाई ने काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी लोगों के गाने सुनने के बाद ये गाना सेलेक्ट किया और कमाल भाई को इसमें कास्ट किया। और आज ये काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद अभी ये गाना थोड़ी देर में आपके सामने होगा। थैंक यू।
सो मच आप सभी लोगों का, आप सब लोग आए और हमारी टीम को शुभकामनाएं, बहुत ढेरों शुभकामनाएं हमारी टीम को, टीम ने बहुत मेहनत की और जावेद जी को थैंक यू कि इस टीम का हिस्सा बनाया जिसमें आप लोगों ने काम किया। नो डाउट ये गाना आप लोग सुनेंगे, आपको पसंद आएगा और बस ऐसे ही हौसला बढ़ाते रहिए ताकि हम और अच्छे अच्छे गाने लेके आ सकें। सो थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं प्रतीक दुबे, जैसा कि मेरा नाम बता दिया गया है, मैं भी एक टीम में एक छोटा सा हिस्सा प्ले किया हूँ, एक्टिंग नहीं किया हूँ बट बैक कैमरा कह सकते हैं या फिर बैक सपोर्ट कह सकते हैं, उस भी आप पे इस टीम के साथ जुड़ा रहा और आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसा ही जुड़ा रहूँगा और कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जावेद भैया और सब लोग के साथ करते चले आएंगे। जय हिंद। जैसे कि ये कह रहे हैं कि हम भी टीम का हिस्सा हैं और हमारा सफ़र जहाँ से शुरू हुआ था, तो कई बार जब हम स्टेज शो करने जाते थे तो कई बार बड़ा अजीब लगता था कि वहाँ पर ऑडियंस नहीं होती थी, तो हमारे जो गुरु थे वो एक ही बात कहते थे कि अगर ज़िंदगी में तुम्हारी की हुई एक्टिंग अगर एक इंसान को भी पसंद आ गई तो तुम समझना जीत गए। कभी कभी क्या होता है कि कई बार हम लोग बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं लेकिन हमारी पिक्चरें नहीं चलती है, कई बार हमारी की हुई मेहनत नहीं होती, लेकिन कोई बात नहीं है कि जीवन में संघर्ष करता रहना चाहिए हर इंसान को। और प्रतीक जी, जब मैं फिल्मों में आया था तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई झाड़ू मारने में भी बुला ले तो मैं चला जाऊं और 50 रुपये भी दे दे, शायद किराया भी दे दे, खाना भी दे दे तो मैं चला जाऊं। तो फिल्म लाइन ऐसी है कि यहाँ पर बहुत लोग लाइट पकड़ पकड़ के हीरो बने हैं पहले ज़माने में, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जो एक्टर सामने मिल गया, जो सामने आ गया, ये अच्छा लग रहा है इसको बुलाओ, तो उसी को काम दे दिया जाता था। आजकल क्या हो गया, ईमेल हो गए, व्हाट्सअप हो गए, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है तो पहले से सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाती हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे बीच में मनसे पार्टी के महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट माननीय श्री हाजी शेख साहब और मेरे बड़े भाई दो तीन कलाकार एक्टर आदिल द्वानी, प्लीज वो आ जाए। आदिल साहब, आदिल द्वानी और हाजी शेख साहब मनसे पार्टी के महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रवादी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट और साथ में आदिल द्वानी साहब और हाजी शेख साहब को मैं नमन करता हूं। सर, आपको एक हम सबके बेहतरीन लीडर राज ठाकरे साहब, उनकी पार्टी के महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट और लीगल फॉर्म चला रहे साहब और बहुत ही बेहतरीन इंसान है जिनके जो अभी टाइम निकल के आप आए सर, आपको मैं नमन करता हूँ सर। आदिल साहब, थैंक यू सो मच दादा और आने के लिए। मीर साहब, ये मीर साहब है, किसी को भी अगर डायमंड चाहिए रियल डायमंड तो मीर साहब के पास है, क्योंकि डायमंड का व्यापारी है और साथ साथ में इस म्यूजिक वीडियो के प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है और ताई कमाल खान साहब जो इसमें भूमिका निभाया है, इरफान खान साहब ने जो भूमिका निभाया है, और मैं उनको नमन करता हूँ, थैंक यू सो मच। हाँ, साहब का गाना है, मैंने बोला साहब के लिए तो भाई बलिदान है आज के दिन, क्या बोलते साहब। तो हमारे बीच में वो तमाम कलाकार यहाँ पर बैठे हैं, हमारे दिलीप सेन साहब जो म्यूजिक के बादशाह है, 1980 के एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर जिनको लोग साइन करने के लिए घर के बाहर खड़े होते थे गाड़ी में बैठ के, जो दिलीप सेन साहब एक बार मेरे म्यूजिक करते, क्योंकि म्यूजिक हिट मतलब फिल्म हिट। तो ऐसे म्यूजिक एक्टर को एक बार तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, सीनियर म्यूजिक एक्टर ऑल वन दिलीप सेन साहब, लत्था मर लत्था जी, एक ऐसे नाम, एक ऐसे एनर्जी से चलकर मुंबई तक आना और एक बेहतरीन फिल्म में काम करना, साथ में 1000 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्म जवान में जिस तरीके से उन्होंने भूमिका निभाया है, लत्था साहब मैं आपका नमन करता हूं।
उनकी एक्टिंग देख के मैंने खुद देखा है, लोग कॉइन फिल्मों को फिल्म पिक्चर हॉल में कॉइन साहब बृथ्वी कलाकार साहब आप, मैं दिलीप साहब प्लीज आप स्टेज पे आए, प्लीज दिलीप साहब आइए प्लीज आप स्टेज पे आए। मैं मेरा भाई बहुत बड़ी बात है आदिल साहब, मैं आपको नमन करता हूं, आपका टाइम बहुत कीमती है क्योंकि मुझे पता है आप कहां से भाग भाग के आए हो, मेरे लिए मैं आपको नमन करता हूं। और हमारे साथ में राज प्रमुख साहब, आदिल साहब राज प्रमुख साहब एनर्जी से है, भोजपुरी बहुत सारी इनकी म्यूजिक वीडियो आ चुकी हैं और मेरा भी सपना है कि मैं इंशाल्लाह इनके साथ बहुत जल्दी ये गाना रिकॉर्ड करूंगा और मेरी बात चल रही है भाई से काफी दिनों से, तो बहुत जल्दी इनके साथ एक गाना रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह मार्केट में आएगा। मैं चाहूंगा कि ध्वनि अपनी आवाज में थोड़ा सा कुछ गुनगुनाए। कल्याण जी आप कुछ जी बिल्कुल सैया तू जो छूले प्यार से आराम से मर जाए सैया सिंगर की बात की तो शकीरा शकीरा जो है ना अंदर शकीरा इनके अंदर घुसी। सबसे पहले जब मैंने इन्होंने बचपन में जब शकीरा का गाना आया था बोला अच्छा गा रही थी, पता नहीं कहा मेरे वो जैसे भी गाया वायरस नहीं बोलूंगा वो आ गए। शकीरा कैसे शकीरा का जो गाना है वाका वाका, सो व्हेन आई वाज वेरी यंग आई थॉट कि आई विल ट्राई सिंगिंग लाइक हर, सो दैट्स हाउ आई सिंग लाइक हर। You're a soldier, choosing your battle. Think yourself up, dust yourself up, back at those saddles. You're on fat night, everyone's watching. You know it's easy, we're getting closer, this is it, alright. The pressure's on, you feel it. You got it all, believe it. I'm gonna fuck it up, oh, oh. If you fuck it up, hey, hey. Summon up in a jungle ever. This time for Africa, Samina, Mina, eh, eh, Raka, Raka, eh, eh, Samina, Mina, Zangaliva, this time for Africa. Oh! Thank you. बहुत अच्छा लगा। कल्याण जी जरा आप माइक संभालिए और भाभी जी दो शब्द कहेंगे। आशीर्वाद दे दीजिए। ये सिर्फ घर में बोलती है लेकिन आज फिर भी तुम्हारे लिए बोलेगी भाई। कांग्रेचुलेशंस भाई। और यहां बोलने का काम वीआईपी जी का है। हां ये घर पे बोलती है, मैं बाहर बोलता हूं तो बैलेंस होना चाहिए ना। बाहर ये सुनती है, घर पे मैं सुनता हूं। बट रियली ग्रेट मेरे भाई, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपकी पूरी फैमिली को, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। तो मेरे प्यारे भाई बहन, अब मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं। जाना चाहिए नहीं, नहीं वो क्या है कि तीन जगह भागना मुझे, ये तो डेफिनेटली मैं भाई आपके लिए जाना चाहिए। सोचो मैं कहाँ से भाई अंदर से अंदर अंदर होके आया हूँ यहाँ पर, अब मुझे बाहर बाहर जाना है। तो सर थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू, गुड बाय, गुड बाय, थैंक यू। क्योंकि हर इंसान को, पंछी को, जानवर को, सबको जो जो इस धरती पर है सबको बसेरा चाहिए। और इसी बसेरा के तहत मैं अगर कहूँ कि हमारा जो फेडरेशन शुरू हुआ जिसका नाम है स्टार स्टैंडअप कॉमेडी फैमिली वेलफेयर फेडरेशन, ये गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड शुरू हुआ जो स्टैंडअप कॉमेडी के लिए, सरकार की तरफ से हम स्टैंडअप कॉमेडी के लिए बहुत सारे ऐसे हक है, बहुत सारे हुकूक है जो हमें मिलते हैं, मिलने चाहिए।
मगर हमें पता नहीं होता क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल होते हैं, लेकिन जब ग्रुप के द्वारा एक संस्था के द्वारा जाते हैं तो जैसे कल्याण यहाँ के बहुत सारे NGO हैं हम सब के, तो हमें बहुत सारे चीज़ें मिलती है कलाकारों के लिए, चाहे वो रिटायर कॉमेडियन हो, वर्तमान के हो या भविष्य के हो, उनको सारे हक मिलते हैं, ट्रैवलिंग के हक मिलते हैं उनको, अगर उनका घर नहीं है तो कोटे में घर मिलता है, एजुकेशन मिलता है, अगर आप किसी, हम लोग बहुत सारे संस्था में स्कूल में जाते हैं परफॉर्म करने के लिए, वहाँ के द्वारा हमारे बच्चों को एजुकेशन की तो ये बहुत सारी सहूलियत मिलती है। मैं समझता हूँ कि इसको लेके ये जो फेडरेशन हमने शुरू किया है, जो गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड है, स्टार स्टैंडअप कॉमेडी फैमिली वेलफेयर फेडरेशन, इसके लिए मैं आप सबका आशीर्वाद चाहूँगा, प्यार चाहूँगा। और कल हमने यहीं पे लॉन्च किया उसको, राजीव श्रीवास्तव जी का कल पहले पुण्यतिथि थी, तो उन्हीं के आशीर्वाद से, उनके फैमिली के आशीर्वाद से, और सबके सब यहाँ पर मौजूद थे यहाँ पर। और कल आप लोग पता नहीं कहाँ थे, मैं ढूंढ रहा था, आप लोग शायद कहीं बिजी रहे होंगे आप लोग, लेकिन अच्छा हुआ कल अंबानी का था ना, अंबानी के गणपति बापा में लोग गए थे, तो गणपति बापा का दर्शन करने गए थे या अंबानी का? दोनों का, बल्कि पहले जिनका दर्शन करने गया था मुझे पता है, अंबानी के बॉलीवुड वालों, अंबानी के गणपति में तुम लोग किसके दर्शन करने गए थे मुझे पता है, मैं खुल के बता रहा हूँ, सारा बॉलीवुड कल अंबानी के गणपति में गणपति पापा के दर्शन के लिए गया था।